तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। सोनाहातू में विधायक के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या 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 कार्यक्रम हो रहा है? विनोद जी मैं आपको बता दूं, सोनाहातू प्रखंड के भोकवाड़ी गांव में जिला परिषद से 15वां वित्त आयोग के निधि से 150 फीट पीसीसी का शिलान्यास किया विधायक जी ने, और नवागांव सोनाहातू प्रखंड के ही नवागांव में विधायक फंड से बनने वाली पीसीसी जो करीब 300 फीट बनेगी उसका शिलान्यास किया जी। और सोनाहातू में एक ब्लॉक में भी बैठक हुई है, ये इसमें क्या क्या बातें हुई? ये विनोद जी अपने सोनाहातू मध्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक आसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो बैठक कर रहे हैं। ये सोनाहातू के कार्यकर्ताओं जो नया कमेटी जो बनी है, नया कमेटियों के साथ बैठक की कर रहे हैं और ये नए कमेटी को शपथ ग्रहण कराएंगे और उनकी जिम्मेवारी का बोध कराएंगे। जी विनोद जी, ब्लॉक परिसर में भी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है आज उनकी? ब्लॉक परिसर में दो फेज में उन्होंने बैठक किया। पहला फेज में ब्लॉक के जितने भी पंचायत सेवक, जन सेवक, वीडियो, उनके साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस योजना की समीक्षा की और इसमें पंचायत बार सभी लाभुकों की सूची का समीक्षा किए। दूसरी बैठक हुई है स्कूल, जितने भी हाई स्कूल हैं सोनाहातू में, उस हाई स्कूल के सभी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक किया। स्कूल में पेयजल, शौचालय और जितना भी अन्य सुविधाओं के विषय में चर्चा की है। उदेश जी का मंशा है कि सोनाहातू के 4 हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करेंगे और इसी के तहत वो स्कूल चिन्हित किए हैं। 4 स्कूल, इसमें हाई स्कूल लांधुबडी, हाई स्कूल बारिंदा, हाई स्कूल सोनाहातू और हाई स्कूल जामुदाग, इन 4 स्कूल को वो विकसित करेंगे मॉडल स्कूल के रूप में। जी विनोद जी, जी धन्यवाद ओम जी, बने रहिए सोना न्यूज के साथ सोनाहातू से।